हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लेके आना। हाँ हेलो, जितने भी सुन पा रहे हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। कितने बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स विद अस? जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। स्टडी अड्डा पर जितने भी बच्चे हैं वीडियो को लाइक मार दे ताकि मुझे पता चल जाए कितने बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं। ख्याति पांडे जी गुड मॉर्निंग, अभिजीत यादव जी गुड मॉर्निंग, पिंकी जी गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। सभी लोगों का स्वागत है हमारे अपने स्टडी अड्डा पर। मैं अर्जुन सिंह सैंधव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। यूट्यूब पर देख लेते हैं हमारे साथ में कौन कौन जुड़ा हुआ है। हाँ, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हम पढ़ रहे थे बच्चों। चैप्टर लगभग लगभग समाप्त है, क्वेश्चन आंसर्स हमको डिस्कस करना है। इसके बाद में पावर शेयरिंग हम पढ़ेंगे। यार यूट्यूब पर बच्चे क्यों नहीं आ पा रहे हैं, मेरे साथ जुड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या समस्या आ गई? बड़ी समस्या है। अगर यूट्यूब पर बच्चों से जुड़ने की कोशिश करो तो यार यूट्यूब पर बच्चे क्यों नहीं आ पा रहे हैं? आ रहे, देखो आवाज़ भी उधर से वही आ रही है। हाँ फ़ोन ठीक हो गया, फ़ोन ठीक हो गया। प्लीज़ चेंज द टाइम ऑफ क्लास। बेटा यार ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बाकी क्लासेस भी हैं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा आप एडजस्ट करो। ठीक है बच्चों, द राइज ऑफ नेशनलिज्म चल रहा था। और कोई कुछ कह रहा है क्या? समवन सेइंग समथिंग। इसको कुछ ऐसा रखा जाए ताकि मुझे कमेंट्स भी दिखाई देते रहे। गुड मॉर्निंग अनुकृता जी, गुड मॉर्निंग, बहुत दिन बाद दिखाई दें आप। मुकेश कुमार जी गुड मॉर्निंग। कुछ ऐसा कर कमाल के कमेंट दिख जाए। हाँ अब कमेंट दिखाई देगी सही तरीके से। चलो अनु चौहान जी, इस टाइम पर स्कूल की क्लासेस होती है तो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। स्कूल की क्लासेस को देख लो अब तुम्हारे हिसाब से। यार मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरी क्लासेस ज़्यादा ज़रूरी है और ये भी नहीं कह सकता कि स्कूल की क्लासेस ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये टाइम मैं चेंज करूँगा तो बाकी बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो थोड़ा सा कुछ करते हैं, चलिए सोचते हैं अगर आपने बोला है तो। अच्छा आप यहीं रोज रहते हैं पर आप दिखाई नहीं देते कमेंट सेक्शन में, मुझे लगता है इधर घूम लेते होंगे। बाय द वे अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया अगर आप हैं तो। अभिषेक जी क्या बात है ना, टाइम के लिए चलिए सोचते हैं, कुछ सोचते हैं। अब इसके बाद में अगर टाइम चेंज करते हैं तो कौन सा टाइम आपके लिए बढ़िया रहेगा एक बार बताइए कि इफ़ वी विल चेंज द टाइमिंग तो विथ टाइमिंग विल बी बेटर फॉर यू, एक बार सजेस्ट करें। चलिए गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम, फिर आपकी राय जानेंगे हम टाइम के बारे में। आखिर में पहुँच चुके थे हम। पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो चुका था, राइट इन ब्रीफ। क्वेश्चन आंसर्स हमको डिस्कस करने हैं, इसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों? हम सिविक्स का स्टार्ट करेंगे। सिद्धार्थ खरते जी, हम भी यहीं पर हैं। ठीक है, तो आप लोग यार दिख नहीं पाते हो इसलिए मुझे लगता हो कि शायद कहीं निकल गए होंगे, दुनिया की भीड़ में खो गए होंगे। आजकल दुनिया बड़ी क्या जालिम है, लोग कब गायब हो जाते हैं कोई पता ही नहीं चलता है। एक दिन मेरे साथ में जिसने लंच किया, थोड़ी देर बाद दो घंटे बाद खबर आई कि वो नहीं रहा। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती है तो कोई भरोसा नहीं कर सकते। देखो नमन तिवारी भी है, अंकित यादव भी एक बार कमेंट कर दे, एक बार अपना आयुष पटेल कमेंट कर दे तो पता चल जाए कौन कौन यहाँ पर है और कौन कौन नहीं है। ठीक है ख्याति पांडे जी, अब ख्याति पांडे जी और अनु चौहान दोनों में ही समस्या है। एक बोल रही यही टाइम एडजस्ट किया है और एक बोल रही ये टाइम एडजस्ट नहीं किया है। हाँ तो पावर शेयरिंग में आपको बहुत मजा आने वाला है, पावर शेयरिंग बहुत शानदार चैप्टर होने वाला है। पर क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, राइट एंड नॉट ऑन जेसीपी मेजिनी के ऊपर,
काउंट कैमिलो डी केवर के ऊपर, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के ऊपर और द रोल ऑफ वीमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल के ऊपर, ये आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। अब ये पांच के ऊपर लिख रहे हैं आप शॉर्ट नोट, तो थोड़ा सा आप बना लीजिएगा, आप ई के बाद में एफ डाल दीजिएगा और गैरिबाल्डी के बारे में भी लिख दीजिएगा। किसके बारे में दोस्तों? गैरिबाल्डी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो गैरिबाल्डी के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। गैरिबाल्डी के बारे में अगर हम लिख रहे हैं एफ आई, तो आई में आप किसके बारे में? बिस्मार्क के बारे में भी लिख दीजिएगा। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट तो आप लिख ही रहे हैं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बाद में नेपोलियनिक कोर्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है बच्चों, इन पर शॉर्ट नोट लिखना है और शॉर्ट नोट के साथ में तीन टॉपिक मैंने आपको बता दिए, इनके ऊपर भी आपको लिखना है। तो गैरिबाल्डी, बिस्मार्क और नेपोलियनिक कोर्ट, ठीक नहीं मिल रहा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक। अब ये हो गया, उसके बाद में व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक टू क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। अब आपको स्टेप्स लिखने भी, कौन कौन से स्टेप्स ली गई, किसके द्वारा चुनी गई? फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा, ताकि कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट कर सके। अब कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे क्रिएट की जा सकती है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप चैप्टर में जाए गौर करें, ना है मोबाइल है, ठीक है, तो क्या क्या, पहला नेशनल एंथम, कौन सा था नेशनल एंथम ये याद रखना है आपको, ठीक। नेशनल एंथम के बाद में एक इमेज, उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के अलावा फोल्क सॉन्ग ईटीसी, तो इसे आपको निकालने हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है आपको। अब आप क्या करेंगे कि आप है ना ये टुगेदर विद एग्जाम आइडिया ऐसी कोई सी रिफरेंस से मदद ना लें, आपको किताब में से आंसर कंप्लीट करना है। बच्चों जितने भी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको अपनी किताब में जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसी में से आपको नोट्स लिखना है, तो ही आपको सही नंबर मिलेंगे। अगर आपने कहीं रेफरेंस से कॉपी कर लिया तो फिर आपके नंबर इधर उधर हो जाएंगे, तो बाद में मत बोलिएगा सर यार हमारे नंबर कम आए, हमें नंबर अच्छे नहीं आए, आपने सही तरीके से हमें गाइड नहीं किया, चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, चैप्टर पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है, अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर की, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्जाम में प्रश्नों का उत्तर हमें लिखने रहते हैं, जो भी हमने पढ़ा वो ना पूछते हुए हमसे घुमा फिरा कर पूछा जाता है, तो घुमा फिरा कर पूछा जाता है तो आप उस घुमे फिरे हुए प्रश्न को सीधा आंसर दें। तो आपको क्या करना है, नहीं आर्यजीत आनंद आप एक काम करिए, अलग अलग कॉपी बनाने के बजाय मैं आपको स्टार्टिंग से एक ही बात बोलते आ रहा हूँ कि आप एक बड़ी सी कॉपी ले लीजिए जिसमें आपके सारे सेक्शन के क्वेश्चन आंसर आ जाए, मतलब हिस्ट्री भी आ जाए, इकोनॉमिक्स भी आ जाए, सिविक्स भी आ जाए, ज्योग्राफी भी आ जाए। तो आप एक काम करें, ऐसी बुक लें या ऐसी कॉपी लें जो काफ़ी बड़ी हो जिसमें सारा इंक्लूड हो सके, तो थोड़ा सा बड़ी कॉपी बनाइए, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें से आपको ढूंढना है, मैंने आपको नेशनल एंथम भी बताया है, फिर इमेज ही बताया, इमेज में से इटालिया है, मेरिन एंटोनी क्या मेरियन है ना, मेरियन है, क्रिस्टोफर मेरियन कुछ नाम था, देखना पड़ेगा अपने को, फिर फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से वो और फोक सॉन्ग्स कौन कौन से थे और किस किस के द्वारा चुने गए, ये लिखना है, ये आ गया है पर मेरियन का। हु वर मेरियन एंड जर्मेनिया, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वर पोर्ट्रेट, अब ये आपको लिखना भी, मेरियन कौन था अभी हमने डिस्कस किया, जर्मेनिया कौन था या कौन थी ये भी हमने डिस्कस कर लिया है चैप्टर के दौरान, तो ये कुछ इमेज थी जो बहुत ज़रूरी थी और इन्हीं के बाद में मदरलैंड वाली थ्योरी आई, तो मदरलैंड की थ्योरी क्यों आई, कब आई, कैसे आई, ये भी आपसे पूछा जा सकता है घुमाकर। तो मदरलैंड या एलगरी दोनों में अंतर आपको स्पष्ट करना है या अंतर स्पष्ट नहीं करना है तो आपको बताना है कि भाई मदरलैंड की जो थ्योरी है वो कैसे आई, कब आई, कहाँ से आई, और सबसे पहला जो एलगरी था मदरलैंड से रिलेटेड वो कौन सा था। उसके बाद में ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, अब हमने इटली और ब्रिटेन के बारे में पढ़ा पर जर्मनी के यूनिफिकेशन कैसे हुआ ये भी हमने पढ़ा, तो यहाँ पर आपसे एनसीईआरटी में एक प्रश्न पूछा गया है, बाकी दो के बारे में एनसीईआरटी में प्रश्न नहीं दिए हैं, मतलब क्या है बाकी के दो प्रश्न भी आ सकते हैं। तो ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन, तो जर्मन की जगह आपको क्या करना है, ब्रिटेन
और इसी के साथ में आपको फ्रांस, तीनों क्वेश्चन लिख लेने डायरी में। पहला, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। फिर दूसरा प्रश्न है आपको ब्रिटेन यूनिफिकेशन, और तीसरा फ्रांस यूनिफिकेशन कर लेना है। तो डायरी में तीनों प्रश्न हो जाएंगे, तीनों के उत्तर कर लेना आप। तीनों ही आईएमपी है। यहाँ पर जर्मन यूनिफिकेशन का दिया गया है, तो समझ लीजिए दूसरे प्रश्न इसके जो समांतर है वो आपसे पूछे जाएंगे। यही तो होता है एनसीईआरटी में जो प्रश्न दिए जाते हैं ना, बच्चों को लगता है एनसीईआरटी में जो प्रश्न दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको दूसरे प्रश्न याद करने हैं। पर बच्चों एनसीईआरटी में जिस प्रकार के प्रश्न दिए हैं ना, उसी प्रकार आपने दूसरे प्रश्नों की तैयारी कर ली तो आपका एग्जाम बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है। तो जैसा यहाँ पर जैसे भी मेजिनी का बताया गया, गैरिबाल्डी का नहीं बताया है, बिस्मार्क का नहीं बताया, जबकि हमने चारों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पर ऐसा कोई सा दूसरा नेशन है जिसने इंडिपेंडेंस का वॉर लड़ा, तो आपसे यहाँ पर बालकन्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसी प्रकार दूसरा कोई सा प्रश्न किताब में बन सकता है क्या, आपको उसकी तैयारी करनी है। ठीक, सिद्धार्थ खड़ते जी अगर आपका ग्रुप है तो आप ग्रुप में प्रश्न डाल दीजिए। तो ये तीन प्रश्न हो गए, डायरी में लिखना है आपको। क्या लिखेंगे आप, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, देन ब्रिटिश यूनिफिकेशन, देन फ्रांस यूनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है पर नेपोलियनिक कोड में, नेपोलियनिक कोड में उसने क्या क्या किया था, कौन कौन से मेजरमेंट्स उसके द्वारा अडोप्ट किए गए थे, कौन कौन से चेंजेस उसके द्वारा अडोप्ट किए गए थे, और कौन कौन सी चीज़ें वो लेकर आया था जिससे कि यूरोप में एक रीफॉर्मेशन हो, एक नया युग आए। तो वो आपको पूरा लिखना है, आपको पॉइंट वाइज लिखना है। ये पैराग्राफ वाइज ना लिखते हो आप, इसको किस तरीके से लिखेंगे पॉइंट वाइज, एक एक करके करीबन 7 से 8 पॉइंट आपको डिफाइन करने हैं। तो पहला तो आप मेजरमेंट का ले लीजिएगा। ठीक है बच्चों, पहला आपने मेजरमेंट का ले लिया कि ही इंट्रोड्यूस न्यू मेजरमेंट्स, इससे पहले क्या था, अलग अलग प्रकार के मेजरमेंट चलते थे। दूसरा आप लिख सकते हो वेट वाला, तीसरा आप ले सकते हो करेंसी वाला, चौथा आप ले सकते हो एंड ऑफ बाउंड्री वाला, कि पहले यूरोप में या इवन कंट्रीज में अलग अलग बाउंड्रीज हुआ करती थी, तो उन सारी बाउंड्रीज को समाप्त किया गया किसके द्वारा, नेपोलियन के द्वारा। तो पहला पॉइंट मेजरमेंट का हो गया, दूसरा वेट का हो गया, तीसरा करेंसी का, चौथा बाउंड्री का, फिफ्थ अगर हम लें तो बहुत सारे छोटे मोटे जो लॉज थे अननेसेसरी लॉज वो किसके द्वारा समाप्त कर दिए गए, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। तो पांचवा पॉइंट ये हो जाएगा। अगर पांच में ही वैसे तो 5 नंबर का प्रश्न आएगा या 4 नंबर का प्रश्न आएगा तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया, फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार सर 5 पॉइंट कम हो जाएंगे, हमको 6 या 7 पॉइंट लिखने हैं। तो अगर आप बुक में नेपोलियन कोड जहाँ पर लिखा है वहाँ पर पढ़ेंगे आप, तो 6 क्या है, उसने क्या करा, उसने फंडामेंटल राइट्स सिक्योर किए। जितने भी लोगों के राइट्स इससे पहले नहीं दिए गए थे राजा महाराजाओं के द्वारा, वो इसने दिए। तो फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गिवन बाय द नेपोलियन बोनापार्ट, 6 पॉइंट हो गया। सेवंथ वाला पॉइंट अगर आप जोड़ेंगे तो क्या हुआ, सेवंथ वाला कि इसने जो स्लेवरी है वो समाप्त की थी, तो गुलामों को आज़ाद करने वाला जो निर्णय लिया गया था वो किसके द्वारा लिया गया था, वो भी नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा लिया गया था। तो इस प्रकार कितने पॉइंट बन जाएंगे, 7। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार का डाउट हो मेरे लल्लो, अगर डाउट हो तो डाउट पूछ लो, हम प्रश्न उत्तर डिस्कस कर रहे हैं। एक बार का पैराग्राफ अगर डिस्कस करने के दौरान आप बात करोगे और आपके दिमाग में नहीं भी जमा तो चल जाएगा, पर यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स बता रहा हूँ यार कि कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आएंगे, बाद में मत बोलना, क्योंकि प्रश्न हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, उनके आंसर आपको लिखने हैं। वहाँ पर आप ऐसा नहीं कि कुछ भी इधर उधर की बात कर लोगे, यार फ्री फायर पर तेरी आईडी है क्या, तू गूगल चलाता है क्या, तू इंस्टाग्राम पे है क्या, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर प्रश्न के आंसर लिखने हैं, व्हाट वर इन नेपोलियन कोड लिखना है सीधा सिंपल। फिर आप सोचोगे यार जो मैंने कहीं रेफरेंस से पढ़ा है वो लिख दूँ, नंबर नहीं मिलेंगे, बुक में पढ़ाया पर ध्यान नहीं दिया, तो फिर इधर उधर देखोगे और फिर सबसे पहले किसको ब्लेम करोगे, अर्जुन सर को, कि अर्जुन सर ने सही तरीके से पढ़ाया नहीं, यार अर्जुन सर ने सही तरीके से नहीं पढ़ाया। तो अर्जुन सर तो सही तरीके से पढ़ा रहे हैं पर मेरे जो राजकुमार राजकुमारियाँ हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, उनको ना जाने क्या पढ़ा हुआ, दूसरा कुछ दिमाग लगा रहे हैं वो, है ना अरिजीत आनंद। तो नो वन इज आस्किंग सर ऐसा प्रश्न आएगा क्या, या इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, या इसको कितना बड़ा लिखना है, इसको पैराग्राफ में लिखना है कि पॉइंट में लिखना है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
वो अभी बात की बात है, वो फिर दुआ करेंगे भगवान को अगरबत्ती लगाएंगे लास्ट टाइम पे, भगवान कोरोना की पांचवी छठी लहर ला दे, भगवान मार्च में स्कूल बंद करवा दे, भगवान इस बार एग्जाम पोस्टपोन करवा दे, और अगर सरकार फिर एग्जाम लेने की बात करेंगे तो बच्चे रिएक्शन देंगे, हैं हमें कुछ हो जाता तो, हम मर जाते तो, वायरस हमारे ऊपर चढ़ जाता तो, इस तरीके से। और जब सरकार ने एग्जाम कैंसिल कर दी तो फिर क्या बोलेंगे, मैंने तो पूरी तैयारी कर रखी थी, एग्जाम होती है तो 99 पक्के थे अपने। कुल मिलाकर बच्चे ना सरकार को छोड़ेंगे ना हमें छोड़ेंगे, पर जब पढ़ने की बारी आती तो पढ़ाई नहीं करते। तो ये आप में जब हम पढ़ते तब हम भी यही करते थे, हम भी पूरी तैयारी से जाते थे, बिल्कुल ऐसा कि रात से ही तैयारी कर लेते थे, कागज़ वगैरह फाड़ के रख लेते थे, पेन रख लेते थे, कंपास रख लेते थे, सब कुछ तैयारी कर लेते थे, सिर्फ जो मेन तैयारी होती थी वो नहीं करते थे। और वो क्या होती थी, वो पढ़ना, वो साल भर नहीं करते थे, 365 दिन भी नहीं करते थे, फिर 3 घंटे इधर दिमाग घुमाते उधर। और सबसे ज़्यादा किसको कोसते मालूम, जो एग्जाम में एग्जामिनर रहता उसको, कि वो एक नंबर का खड़ूस था यार, उसने टिपने नहीं दिया, वरना आराम से मैं लिख सकता था, मेरे साइड वाले लिख रहा था, सारे लिख दिए उसने, मैं चाहता तो अच्छे से अच्छे कॉपी कर लेता, रिजल्ट आया पता चला जो सबसे ज़्यादा लिख रहा था वही फेल हो गया। तो यहाँ यही होता है कि बच्चे पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते हैं, बस पढ़ाई नहीं करते। और जब पढ़ाई नहीं होती, अच्छे नंबर नहीं आते, तो किसको ब्लेम करते हैं, सबसे पहले टीचर को, क्योंकि वो सरकारी प्रॉपर्टी, उसको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। यार सर बहुत घटिया समझाते थे यार, ना जाने कहाँ कहाँ की बात करते थे, वो जो बोलते थे हमको समझ में ही नहीं आता था पहला। फिर दूसरे नंबर पर स्कूल के, यार हम जिस स्कूल में, यार वहाँ के बच्चों को नंबर आता ही नहीं यार, क्या मालूम क्या है। और तीसरा ठिकरा किसके ऊपर फोड़ा जाता है, पेपर सेट करने वाले के ऊपर, और उसने ऐसा पेपर सेट किया, उसने कैसा पेपर सेट किया, साधारण सेट किया, कोई तुम्हारी किताब के बाहर से तो पूछ नहीं लिया, ऐसा तो हुआ नहीं कि तुम 10th क्लास के स्टूडेंट और तुमसे 8th क्लास का पूछ लिया, या 8th क्लास का ना पूछते हुए तुमसे 12th का पूछ लिया, बेचारे ने जो तुम्हारी किताब में दिया वही पूछा है, पर फिर भी तुम उसकी टांग खींचोगे, नहीं यार पेपर बहुत अलग था, ऐसा था वैसा वैसा, वो आउट ऑफ सिलेबस था। आउट ऑफ सिलेबस नहीं था बेटा, जो तुम पढ़ के गए हो उसके बाहर का था बस, और कुछ नहीं। अब उसके बाहर का क्या, तुम सारा पढ़ लेते तो तुम्हारा एग्जाम का ही रहता, सब कुछ जो तुमने पढ़ा उसी में से रहता, पर तुमने क्या चुनिंदा, वो कहते ना आबरा का डाबरा छू करके, जिस पैराग्राफ पे तुम्हारी उंगली गई वो तुमने पढ़ लिया, तुम्हें लगता है यार ये इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट सभी है। मैं आपको शुरुआत किसे ही बोल रहा हूँ कि जितने भी एनसीईआरटी में दिए सारे इंपॉर्टेंट है। अब ये डिस्कस करना है, एक्सप्लेन वाट इज द मीन्ड बाई 1848 रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अब यहाँ पर 1848 लिबरल्स के बारे में हो गया है। अब आपको तीन अलग अलग पैराग्राफ बनाने हैं, पहले कंजर्वेटिव्स, देन लिबरल्स, और एक और कौन थे, रेडिकल्स। कौन क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, वाट डू यू मीन बाय लिबरल्स, वाट डू यू मीन बाय रेडिकल्स, और वाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव्स। तीनों ही याद कर लेना और तीनों के मूवमेंट्स के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि लिबरल्स के बारे में पूछा गया है तो 101% कंजर्वेटिव्स और रेडिकल्स के ऊपर प्रश्न आएगा, ध्यान रखना। तो आपके नसीब अच्छे होंगे तो रेडिकल्स के ऊपर आ जाएगा, आपके नसीब अच्छे होंगे तो कंजर्वेटिव्स के ऊपर आ जाएगा। चलो माफ किया भैया, माफ किया। अब ये सुएस हमारे एक स्टूडेंट है, देखो बच्चों गौर करना इन पे, ये भी एक महान हस्ती है। महात्मा गांधी के बाद में अगर कोई महान इंसान जन्म लिया इस धरती पे तो वो यही बच्चे हैं। ये डेली 8th में 9th में 10th में 6th में 7th में आकर एक ही प्रश्न पूछते हैं, सर 12th की क्लास लगेगी, और मैं बोलता हूँ बिल्कुल 12th की क्लास लगेगी। जैसे ही 12th की क्लास लगती है सारे बच्चे मौजूद रहते हैं इन्हें छोड़कर, तो ये बाकी क्लासेस में इतना पूछते हैं सर 12th की क्लास लगेगी, और जैसे इनको बता दिया जाता 12th की क्लास लगेगी फिर ये क्लास अटेंड नहीं करते। अब जिनको इनको जिस दिन बोल दिया है ना बेटा आज 12th की क्लास नहीं लगेगी, उस दिन ये कंप्लेन करेंगे कि यार सर आपने 12th की क्लास क्यों नहीं ली। तो ऐसे महान महान इंसान है, तो इनको जो महात्मा गांधी जी थे वो राष्ट्रपिता थे, तो इनको कुछ ऐसी उपाधि देनी पड़ेगी कि जिससे ये भी एक महान आत्मा के रूप में हमारे बीच में प्रसिद्ध हो चुके हैं, है ना। देखो अमृत्य आ चुका है, अमृत्य भी देख रहा है, तो हाँ अमृत्य यही करता है। अब अमृत्य तुम तो मालूम है 12th की क्लास अटेंड करते हो, बताओ इनको भैया कि ये आते कहाँ है, कहाँ जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं, कौन से लेक्चर पर लाइव चले जाते हैं। तो ऐसे बच्चे भी हैं यार, ये बच्चा टॉप करेगा, अब ये भगवान जाने ऊपर से टॉप करेगा नीचे से टॉप करेगा, पर टॉप करेगा ये। चूज 3 examples टू शो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यहाँ पर कल्चर का कंट्रीब्यूशन क्या है किसी भी नेशन में नेशनलिज्म आने के पीछे। तो आपसे कल्चर पूछा गया है, आप 4 पॉइंट और याद कर ले, कल्चर के साथ में आप लैंग्वेज, लैंग्वेज के अलावा फोकलोर या फोक सॉन्ग, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की स्पेलिंग गलत दिख रही है मुझे, सही कर लेना यार, और लैंग्वेज हो गया, फोकलोर, आइडेंटिटी, कल्चर हो गया, और
रिलीजन, ठीक है। रिलीजन का एग्जांपल अगर आप देंगे तो कहां से निकलेगा, ग्रीस। आइडेंटिटी का एग्जांपल अगर आपको निकालना है तो कहां से निकलेगा, ब्रिटेन से। फोकलोर जर्मनी से आ जाएगा। और लैंग्वेज कहां से आ जाएगा, इटली से। तो आपको क्या करना है, इनको माइंड में रखते हुए बताना है कि यार ये किस प्रकार से मदद करते हैं किसी भी राष्ट्र में, राष्ट्रवाद के उदय में। हाउ कल्चर, हाउ लैंग्वेज, हाउ फोकलोर, हाउ आइडेंटिटी और हाउ रिलीजन सपोर्ट टू नेशनलिज्म इन एनी कंट्री, ठीक। आगे, थ्रू अ फोकस ऑन एनी टू कंट्रीज एग्जाम्पल हाउ नेशन डेवलप्ड ओवर 19th सेंचुरी। आपको दो देशों को ध्यान में रखते हुए बताना है कि नेशनलिज्म कैसे क्रिएट हुआ। तो सबसे पहले आप किसका एग्जाम्पल देंगे, फ्रांस का। फ्रांस के बाद में आपको किसका देना रहेगा, इटली का। इटली के बाद में आप किसका एग्जाम्पल देंगे, जर्मनी का, ठीक है। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, इनका यूनिफिकेशन कैसे हुआ आपसे पूछा जाएगा। हाउ वॉज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप डिफरेंट, ये आपको लिखना है कि बिकॉज द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज, व्हाई डिड द नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन द बाल्कन्स। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि व्हाट वॉज द रोल ऑफ बाल्कन्स इन द नेशनलिज्म। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। अब ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हो गए बच्चों। अब थोड़ा सा हम थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पूरा चैप्टर हम थोरोली पढ़ लेते हैं। इस पर मैं इतना जोर इसलिए डाल रहा हूँ कि हिस्ट्री में सिर्फ दो ही चैप्टर हैं और दोनों ही चैप्टर से वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो हम एक भी क्वेश्चन इधर उधर ना होने दें। पहला प्रश्न यहां से पूछा जाएगा फेडरिक सोरियो के बारे में कि हाउ फेडरिक सोरियो सीन द नेशनलिज्म इन हिज पेंटिंग। क्या लिखेंगे आप प्रश्न, बाद में वीडियो को आप पॉज कर करके या रिपीट कर करके क्वेश्चंस लिख लीजिएगा। तो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो क्या पूछा जा सकता है कि हाउ फेडरिक सोरियो सीन द नेशनलिज्म इन हिज पेंटिंग। उसने अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से नेशनलिज्म क्या होता है कैसे बताया, या नेशनलिज्म का उदय कैसे हुआ ये उसने कैसे बताया। तो आपने, उसने क्या है, पेंटिंग्स, कहाँ गए उसकी पेंटिंग्स, ये रही। इस पेंटिंग के माध्यम से नेशनलिज्म कैसे आया यूरोप में वो बताया था उसने, और उन सारे कंट्रीज़ का उसने जिक्र किया जहाँ पर राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और बड़ी अच्छी बात यह है कि उसने सबसे पहले ही बता दिया था कि राष्ट्रवाद किस किस देश में कैसे कैसे आएगा, जबकि राष्ट्रवाद कुछ जगहों पर ले चुके थी जगह और कुछ जगह राष्ट्रवाद आना बाकी था। तो यार उस इंसान को कैसे पता चला कि यार कहाँ कहाँ राष्ट्रवाद आएगा और कहाँ कहाँ राष्ट्रवाद आ चुका है, मतलब बहुत बड़ी बात थी। अगर आप मुझसे बोलेंगे कि यार अर्जुन सर कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, अगर मैंने बोल दिया अगस्त, और अगर अगस्त में आ गई तो आपको लगा अर्जुन सर तो बड़े अंतर्यामी है यार, अर्जुन सर को पहले ही पता चल जाता है। तो ऐसा ही कुछ फेडरिक सोरियो के साथ में हुआ था कि उसने वो इमेजिन किया था जो दूसरा कोई सोच भी नहीं सकता था, और जैसा उसने सोचा वैसा ही हुआ। तो उसने अपने पेंटिंग के माध्यम से कैसे बता दिया कि यार ऐसे राष्ट्रवाद का उदय होगा, ठीक, ये प्रश्न है। अगला, फेडरिक सोरियो की पेंटिंग्स का नाम भी याद रखिएगा। एक ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज अ नेशन अकॉर्डिंग टू अष्ट रेनान, ठीक है। अष्ट रेनान के हिसाब से नेशन का मतलब क्या है, क्योंकि सबसे पहले राष्ट्रवाद को डिफाइन करने का काम किसने किया था, अष्ट रेनान ने। तो रेनान जी के हिसाब से क्या थ्योरी है नेशन की, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो अपनी डायरी में इनको भी जगह दीजिएगा, ठीक है बच्चों। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों के कमेंट्स के माध्यम से अगर उन्हें किसी प्रकार का डाउट है तो वो हम क्लियर कर दें, पर किसी बच्चों को डाउट आ ही नहीं रहा है। एक प्रश्न ये पूछा जाएगा, व्हाट वॉज द रोल ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन इन द नेशनलिज्म, ठीक। ये बहुत अहम भी है बच्चों, ये प्रश्न लिख लीजिएगा, व्हाट वाज द रोल ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन द नेशन और नेशनलिज्म, ठीक। तो यह नेशन पूछा जाए, नेशनलिज्म पूछा जाए, उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या रोल है, क्या योगदान है। तो दुनिया में राष्ट्रवाद सबसे पहले कहां से निकल कर आया, फ्रांस से।
और फ्रांस से क्यों निकल कर आया, क्योंकि वहाँ पर फ्रांसी से क्रांति हुई थी। अगर ये क्रांति नहीं होती तो लोगों के दिमाग में बात नहीं आती, लोगों के दिमाग में अगर बात नहीं आती तो राष्ट्रवाद नहीं आता, और अगर राष्ट्रवाद फ्रांस में नहीं आता तो दुनिया में कहीं पर भी नहीं आता। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय कहाँ पर हुआ था, फ्रांस में। और फ्रांस में क्यों हुआ था, क्योंकि वहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, लोग काफ़ी परेशान थे, वहाँ पर ड्यूअल सिस्टम थे, फ्यूडल राइट्स थे, इस कारण पीपल और फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। एंड उसी समय उनके दिमाग में आया कि इससे राष्ट्र का उदय होना चाहिए, जहाँ पर सभी लोगों को बराबर का अधिकार दिया जाए। ठीक है दोस्तों, हाँ लिख लिया है प्रश्न, तो डायरी अपनी भर लीजिए, डायरी भर लीजिए डायरी। ऐसा ना हो कि आप उसमें गाना लिख दे, तू 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 तारा तोड़ो ना दिल हमारा, तो उसमें लिखना है अपने को क्या रोल है। ठीक है, गाने से नहीं तो बहुत सारे आजकल बच्चे क्या है कि वो बी प्राक के बोल लिखते हैं उसमें। मैं देखा बहुत सारे बच्चों की डायरी, जब स्कूल लगता है ना तो बच्चे अपनी डायरी ले आते हैं, तो वो अपने दोस्तों को बताते हैं। 9th, 10th, 11th, 12th में बच्चे डायरी इसलिए लाते हैं कि वो अपने दोस्तों को बता दे या उसको बताए जिसके लिए वो लिख रहे हैं। कभी कभी क्या है, कोई बच्चा उन्हीं में से गद्दार रहता है जो काफ़ी गद्दारी कर जाता है और मुझे आगे बता देता है कि सर यार ये डायरी लेकर आया, अपने बैग में कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीज़ लेकर आया है। अब उसकी डायरी अपने हाथ लग जाती है, और जब अपने हाथ उसकी डायरी लगती है तो आपको मालूम है अपन कितने भले भले और सीधे इंसान हैं, उसकी डायरी पूरी क्लास में पढ़वा देते हैं। तो जब उसकी डायरी पढ़ते हैं, पूरी क्लास में पढ़वाते हैं, रायता फैलाते हैं, तो तब पता चलता है कि बच्चे अपनी डायरियों में क्या क्या लिखते हैं। डायरियाँ बनाते हैं बच्चे तो ये लिखना चाहिए उनके साथ में क्या क्या हुआ, पर बच्चे ना जाने क्या क्या लिख देते हैं, फेवरेट स्टार, ये पहला, ये मुझे कलर पसंद है, उस दिन मैंने ये किया था, उस दिन मैंने ये किया था। तो पता चले कि आपने SST की डायरी बनाई है, पर SST की डायरी में आप क्या लिख रहे हैं, SST की डायरी में आप लिख रहे हैं कुछ और। हाँ, तो लास्ट ईयर तो कुछ बच्चों की डायरियाँ चेक करी थी, अभी तक पढ़ी हुई है, कुछ बच्चे तो लेने ही नहीं आए शर्म के कारण। कुछ बच्चे बड़े कलाकार होते हैं, डायरी में नाम नहीं लिखते कि यार किसकी डायरी है, तो अब उन बच्चों की डायरी हमने बैग चेक करवाने के दौरान निकला के रख ली, अब बच्चे डर के कारण आ नहीं रहे हैं। तो आज तक पढ़ी कुछ डायरियाँ पढ़ने के बाद में, तो मेरी इच्छा हो गई कि यार अब इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है, ऊपर ही चलें, क्योंकि ऐसी डायरियाँ पढ़ने के बाद में जी के भी क्या करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, भाई साहब SST की डायरी आप बना रहे हैं, इसमें SST के बारे में ही लिखिएगा। पता चले SST के बारे में लिखने के बजाय SST के टीचर के बारे में आप लिख रहे हैं, या SST का छोड़कर सब कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, हाँ, धोखेबाज दोस्त इसलिए होते हैं कि सबसे पहले अपने दोस्तों को मुसीबत में डालें, और फिर मुसीबत आने के बाद में उसकी मदद करें, क्योंकि अच्छा दोस्त वो है जो मुसीबत में मदद करे, और उससे अच्छा दोस्त वो है जो सबसे पहले दोस्तों को मुसीबत में डाले और फिर उसकी मदद करे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप भी अच्छे किसी के दोस्त हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हाँ, चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, आज ये चैप्टर इसी में डिस्कस करना है। मैं आज पावर शेयरिंग नहीं पढ़ाऊंगा, थंबनेल आपकी मालूम ही थी, मैंने डलवा दी थी, तो पावर शेयरिंग हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पावर शेयरिंग आज स्टार्ट नहीं होगा, पावर शेयरिंग कल स्टार्ट होगा। नेपोलियनिक कोट बता ही चुका हूं मैं, व्हाट इज नेपोलियनिक कोट, या नेपोलियन कोट के बाद में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नेपोलियनिक कोट मीन्स, और क्या पूछा जा सकता है, सिविल कोड। तो बच्चों यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, सिविल कोड और नेपोलियनिक कोड दोनों क्या है, एक ही है। ठीक है, सिविल कोड और नेपोलियनिक कोड दोनों एक ही है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ। यहां पर हो गया द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में आपसे तीन देशों के बारे में पूछा जाएगा, मैं बता चुका हूं आपको, तीनों का ही जिक्र कर चुका हूं। ये जो डेट है ये काफी IMP है, इसमें से आप याद कर लीजिएगा, आपसे तीन या चार ऑब्जेक्टिव में वन वर्ड आंसर में पूछा जा सकता है। पहला, नेपोलियन ने इटली पे कब हमला किया, तो ये IMP है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है, नेपोलियन का कब डाउनफॉल हुआ, नेपोलियन कब युद्ध हारा, और वियना पीस सेटलमेंट कब हुआ, ये दो या तीन बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये मत भूलिएगा, वियना पीस सेटलमेंट कब हुआ, 1814 और 1815, और ये किन किन देशों के बीच में हुआ, अगर आपको ध्यान हो तो प्रूशिया, रशिया, ब्रिटेन। ठीक, ये तीन देश थे जो पावरफुल कंट्रीज थे उस समय, और एक और कोई सा कंट्री था जिन देशों, प्रूशिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, रशिया हो गया और ब्रिटेन हो गया, चार देश थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था। अब 1848 रिवॉल्यूशन की डेट तो आपको पता ही होगी, फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कब हुआ था, और यूनिफिकेशन ऑफ इटली कब हुआ था, और किन किन लोगों ने इसमें योगदान दिया था, हु वाज आर्किटेक्ट ऑफ इटली एंड हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। द एरिस्टोक्रेसी से रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा, व्हाट वाज द रोल ऑफ न्यू मिडिल क्लास इन नेशनलिज्म, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो न्यू मिडिल क्लास थी उनका क्या योगदान है राष्ट्रवाद के उदय में। तो आप लोगों को मैंने बताया था पढ़ाते वक्त, ख्याति पांडे जी आपका नाम दिखाई दे रहा है, कि मिडिल क्लास ही लोग थे जिनके दिमाग में सबसे पहले ये विचार आया था कि राष्ट्रवाद होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था, ये पढ़े लिखे लोग थे, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते थे, दैट्स वाई दे डिमांडेड फॉर द
नेशनलिज्म। तो मिडिल क्लास लोगों का क्या रोल था, ये प्रश्न बन जाएगा। व्हाट डिड लिबरल्स नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? तो लिबरल्स हो गया, रेडिकल्स हो गया और कंजर्वेटिव्स हो गया, तीनों का मैंने आपको मतलब बताया था। लिबरल्स वो लोग जो सभी लोगों को आज़ादी देना चाहते थे, सभी लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक जीने देना चाहते थे। रेडिकल्स वो लोग थे जो थोड़ा बहुत बदलाव करना चाहते थे और थोड़ा बहुत पुरानी चीज़ें रखना चाहते थे, मतलब दे वॉन्टेड टू समथिंग चेंज एंड दे डू नॉट वॉन्ट टू समथिंग चेंज, मतलब कुल मिलाकर इसमें बीच में फंसे हुए थे। कंजर्वेटिव कौन थे? जो बिल्कुल बदलाव नहीं करना चाहते थे, पुराने धरले पे ही रहना चाहते थे, उनको मोनार्की ही पसंद था, राजा महाराजा का शासन ही पसंद था, उसमें कुछ भी बदलाव वो नहीं करना चाहते थे। ठीक, ये हो गया। हाँ, यहां पर जेकोबिन क्लब से प्रश्न पूछा जा सकता है, वैसे नाइन्थ क्लास में था बट जेकोबिन क्लब से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। जेकोबिन क्लब एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हु वर द मेंबर ऑफ जेकोबिन क्लब्स, व्हाट वाज द रोल ऑफ जेकोबिन क्लब इन डेमोक्रेसी एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ जेकोबिन क्लब इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यहां पर जेसीपी मेजिनी, गैरी बाल्डी और ये तीन चार नाम है, इनका मैं बता ही चुका हूं आपको। ठीक है, बस कंप्लीट हो गया हमारा, कल हम पावर शेयरिंग पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। आपसे चलते चलते तीन प्रश्न पूछ रहा हूं मैं जल्दी में, क्योंकि आज का कोटा पूरा करना है हमें। तो इस चैप्टर से संबंधित तीन प्रश्न है, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है लास्ट में। हो जाइए तैयार, एक के बाद एक तीन प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हाँ चलिए, रेडी है सभी लोग? तीन प्रश्न पूछ रहा हूं मैं जाते जाते। जल्दी से हाँ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आ गया ना लास्ट ईयर नाइन्थ क्लास में, पर जेकोबिन क्लब पूछा जा सकता है आपसे यहाँ पर, समझ गए आप? क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इस कारण पूछा जा सकता है आपसे। तीन प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। पहला जो प्रश्न है, जर्मन पार्लियामेंट की सबसे पहले जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? उस शहर का नाम बताना है तुम्हें जहाँ पर जर्मन पार्लियामेंट सबसे पहले मिली थी। नेम दैट सिटी वेयर द वाज अरेंज्ड। जल्दी से पहला प्रश्न देखते हैं, पहले प्रश्न का आंसर कौन देता है? वैष्णवी जी, नेपोलियन बोनापार्ट वॉज द किंग ऑफ फ्रांस, इसी ने तो आग लगाई थी। आप पूछ रहे हैं ना हु इज नेपोलियन, तो नेपोलियन ही वो एक ऐसा इंसान था जिसने सबसे पहले राष्ट्रवाद के लिए लोगों के दिमाग में बात डाली और उसने पूरे यूरोप को एक अखाड़े के रूप में कन्वर्ट कर दिया था, जहाँ पर उसने बहुत सारे युद्ध लड़े और आखिर में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो गई। तो मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा है, जर्मन पार्लियामेंट सबसे पहले कहाँ पर मिली हुई थी? अब कुछ बच्चे तो सर्च कर रहे हैं, कुछ बच्चों को पता है। चलिए, आंसर आ चुका है, काफी बच्चों ने आंसर दिया है। अंशी पांडे और बैंकॉन फ्रैंकफर्ट, दो बच्चों ने आंसर दिया है, अंशी पांडे और दूसरा यार क्या नाम रखते हो यार, कसम से यार, अब ये नाम क्या लिखे ने, क्या पढ़े यहां पर, और फिर बोलोगे सर हमको पॉइंट नहीं देते आप, क्या बैंकॉन? जल्दी नाम बता बेटा बैंकॉन अपना। मम्मी पापा ने अच्छा नाम दिया, पंडित जी ने 50 या 100 रुपए लेकर एक अच्छा नाम दिया होगा जन्म के बाद में और ये नाम लेके घूम रहे हमारे राजकुमार। चलिए दूसरा प्रश्न है। अच्छा, इंतखाब, वारे इंतखाब, दूसरा प्रश्न है आज का। नेम दोस कंट्रीज विच डिसाइडेड वियना सेटलमेंट, आपको उन देशों के नाम बताने हैं जिन्होंने वियना सेटलमेंट किया था। जल्दी से नाम बताइए। जल्दी से नाम बताइए उन चार देशों के जिन्होंने वियना सेटलमेंट किया था। चैनल नेम है, क्या बात है, तेरा चैनल चल रहा, बहुत अच्छी बात है यार, हम भी कोई सा कोई सा चैनल चालू करेंगे अब जीवन में, हमको भी तरक्की करनी है भैया, तू बना तेरा चैनल, हो प्रसिद्ध, फिर तेरे चैनल पर आकर ही कुछ ना कुछ छोटा मोटा पेश कर देंगे।
जल्दी से, मैं इंतजार कर रहा हूँ आंसर का। चार देश हैं, चारों के नाम बताने हैं बच्चों। चारों के नाम बताने हैं, एक एक करके नहीं समृद्धि जी, एक साथ में बताने हैं। अनु चौहान ने बताया ऑस्ट्रिया, प्रुशिया, ब्रिटेन और रशिया। अनु चौहान और आदित्य विश्वकर्मा पर आदित्य विश्वकर्मा का अधूरा आंसर है। अनु चौहान अनु चौहान एंड ये बाकी लोग मुझे लगता है कोशिश ही नहीं करते आंसर देने की यार। ये दो चार लोगों के तो आंसर मैंने बहुत दिन हो गए देखे हुए। प्रीति धुरिया ने अधूरा आंसर दिया है, तीन आंसर दिए हैं प्रीति धुरिया। अश्विनी यादव के आंसर हैं, अश्विनी यादव, अश्विनी यादव। और तीसरा प्रश्न आज का जो कि आखिरी प्रश्न है, देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है। जो फेडरिक सोरियो ने पेंटिंग बनाई थी तो कितनी पेंटिंग बनाई थी, हाउ मेनी पेंटिंग्स हैव बीन मेड बाय फेडरिक सोरियो। एक पेंटिंग तो बुक में दी गई है पर टोटल कितनी पेंटिंग्स थी, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था, सीरीज ऑफ पेंटिंग्स जिक्र किया गया है बुक में, कितनी पेंटिंग्स है जल्दी से बताइए। नंबर्स ऑफ पेंटिंग, हाउ मेनी पेंटिंग्स वर देयर। थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है, अभिषेक तिवारी और मार्विन सोनी, अभिषेक तिवारी और शायद आज पहली बार आंसर निकला है मार्विन सोनी का, अरविंद होता है पर इन्होंने मार्विन लिखा है, शायद मार्विन ही नाम हो। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल से हम पावर शेयरिंग पढ़ेंगे, बाय।